राम राम मेरे सारे भाइयों को। आज का करते हैं ब्लॉग शुरू। ठीक है, अभी अपने पास आएगी एक थार गाड़ी, अपन इसके अंदर डालने हैं टायर। टायर मंगाया उनका, बाहर से इंपोर्ट कराया है, 2 75 70 16 का ये आई है गाड़ी। गाड़ी लगाओ यार, खड़े हो लो, खड़े हो लो। लग रही है थार, ये रे अपने बंदे भाई जो हाथ सेक रहे थे। दौड़ो फटाफट, काम करो भाई, खिंचो काम। ठीक है, ये गाड़ी लो भाई, ये गड्डी है थार। ठीक है, और ये मेरे भाई ये गाड़ी है। भाई क्या नाम है आपका? ऋषभ भाई का नाम आ जा बाहर आ जा। ये मेरे भाई का नाम है ऋषभ। हाँ जी, हाँ जी। ऋषभ भाई कितने दिन से आप बोल रहे थे टायरों के लिए? 2 महीने हो गए यार, मौसा टायर आज मिले हैं। हाँ है? हाँ भाई, भाई 2 महीने से भाई ने मेरे को टायर मिले हैं, और मैं मेरे दिमाग में ये बात है, अभी कोई इतनी मेहनत कर नहीं सकता टायर दिलाने में जितनी आप नहीं करते। मैं बहुत खुश हूँ आपकी डील से, और बहुत अच्छे टायर हैं भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने आज आपको लगा लो, ये भाई को टायर डाले हैं जो 4 योको हम आगे। आज मैंने भाई के लिए 4 टायर लिए थे, खरीदे थे। ठीक है, भाई ने मेरे को बोला मैं आऊँगा, मैं डलवाऊँगा। मैं कहा चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पे आ जाई पजारो। ठीक है भाई, ये रिजेक्ट है भाई, मेरे पजारो आई। बंदे 20 इंची का नमा लाए लग रखा था, 4 टायर दे 70 पैसे। वो बंदा मेरे को कह रहा है मैंने ऑफ रोड रिम डालने हैं, 4 टायर डालने हैं 16 नंबर के, मेरे को दे दे। ठीक है भाई, मैंने उस बंदे को मनाई कर दिया। मैं भाई भाई मेरे को 17 पड़े हैं, फॉर्चूनर के लाए हैं, BF गुडरेज के टायर है जो आपको बताए थे। मगर लेने लो भाई, नहीं मेरे पे अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उनको भेज दिया भाई। भाई बहुत बढ़िया डील है। क्योंकि यार पता क्या, अब आप मेरे से 2 महीने से आपने मेरे वेट करा, अब उसके बाद अगर मैं अपने जबान से पीछे हट जाता 2-4-10 हज़ार रुपए के पीछे ना भाई, तो फिर उस वर्ग का बंदा नहीं है ना। तो आपकी दुकानदारी बहुत अच्छी लगी, 3-4 गाड़ी और भेजूंगा आपके पास। कोई चक्कर नहीं ब्रो, ये भाई की गाड़ी है, टैटू डाल के आपको दिखाते हैं कितनी ऊंची हो जाएगी ये गाड़ी। बाकी भाई बड़ी मेहनत करके भाई के अपन ने टायर मंगाए, आपको दिखाते हैं। ये वाला टायर है भाई जो हम भाई की गाड़ी में डाल रहे हैं, ये डला हुआ है 2 55 65 16, 2 75 70 16 का अपा टायर डाल रहे हैं। योकोहामा का जियोलैंडर का टायर है। ठीक है, योकोहामा जियोलैंडर, भाई ने 80 का टायर मांगा था, ऑल ट्रेंड का ही टायर है भाई। ठीक है भाई, कोई चक्कर आ जाए अपा बैठे, बाकी टायर डाल के चेक कराते हैं आपको। इतना फर्क है भाई टायर के साइज में, ये डला हुआ आगे और ये डला हुआ पीछे, इतना साइज में फर्क है। ये है 2 75 70 16 और ये वाला है 2 55 65 16, एकदम अंदर घुस गया। तो गाड़ी पीछे से तो उठ गई, आगे से नीचे बैठ गई। बाकी अब डल जाएंगे चारों, तब चेक कराते हैं आपको क्या बनेगी बातचीत। जय हनुमान टायर सर्विस, फुल पावर। लो भाई ये टायर डले हैं चारों गाड़ी में, गाड़ी पूरी उठ गई आगे से, ऐसा लग रहा है 20 इंची डल गया हो। गाड़ी थार है, टायर डाल के भी बढ़िया काम हो गया, अपनी दुकान भी क्लोज हो गई है। राकेश भाई आपका भाई की ये बोल सर, ये आया अपने पास 18 इंची के नवे टायर है, निचले जो नवा लाए हैं, इसकी सुबह देंगे जानकारी। और ये अभी टायर डला है, गड्डी पूरी ऊंची, पता लग रहा है काम कराया है। ओके रिपोर्ट। लो कटाई करके देखो भाई, लग तो नहीं रहा टायर, कई बार लगता है ना। इस साइड तो लगे, इसी साइड लगेगा दूसरे पास से। करो करो करो, नहीं लग रहा। ठीक है, पूरी पूरी जगह है ना, पूरी पूरी जगह है, सही है। नहीं लग रहा। ए वाला ना साइज, ए वाला साइज बिल्कुल परफेक्ट बैठा है भाई। हाँ
पता है क्या, कई बार अगर हम 285 का टायर डालते हैं ना, 7516 जो आपको पहले बताया था, उसके अंदर भैया यहाँ से गाड़ी कटती है, यहाँ से गाड़ी काटनी पड़ती है, और फिर इधर पीछे से ये वाली चीज काटनी पड़ती है, ये वाली। इसके अंदर अपने को कोई भी गाड़ी काटने की लोड़ नहीं पड़ी, सबसे परफेक्ट साइज बैठा 275 70 16। किसी भाई को अगर पुरानी थार में अगर टायर का साइज चेंज कराना है ना, यही डलवाए भाई, सबसे ऊंचा टायर भी है और इसके अंदर कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी, क्यों, कंफर्टेबल फुल पावर। ठीक है भाई, खुश हो ब्रो, आप बताओ खुश हो? ठीक है भाई, ओके लग रही है भाई गाड़ी भाई की बिल्कुल।